ये 8 प्लेयर जिनका सिलेक्शन 1% से नीचे है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आज अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो इस मैच में। ज़ाइदा जेम्स लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर वेस्ट इंडीज वुमेन टीम का 0.5% सिलेक्शन है। सामने वाला टीम कौन है? आयरलैंड वुमेन टीम, जिनके पास राइट हैंड बैटर्स काफ़ी ज़्यादा है। तो राइट हैंड बैटर्स वर्सेज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर प्लेयर मैचअप आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी अगर खेलती हैं तो ग्रैंड लीग के टीम्स में। करिश्मा रामर हैक रिसेंटली परफॉर्मेंस बहुत खास है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, इंपॉर्टेंट हो सकती हैं ऐसे स्पिन फ्रेंडली विकेट पे। कारा मूडे स्पेशली बोलिंग सेकंड अगर करते हैं आयरलैंड वुमेन का टीम, सामने वेस्ट इंडीज वुमेन है जो स्पिनर को उतना खास नहीं खेलते हैं स्पेशली लेग स्पिनर को। कारा मूडे एक लेग ब्रेक बॉलर है। जॉर्जिया डेम से अगर आयरलैंड वुमेन का टीम बोलिंग फर्स्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, डेथ ओवर्स में डालती हैं, पार्ट टाइम बैटिंग भी करते हैं। ली पॉल ओपनिंग प्लस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। सिलेक्शन कितना? सिर्फ 3% का। इमा रिचर्डसन हमेशा निग्लेक्ट होते हैं जब भी आयरलैंड वुमेन का मैच होता है, बट फर्क नहीं पड़ता, आपके टीम में होना ही चाहिए। बेस्ट स्पिनर आप कह लो आयरलैंड वुमेन टीम का। सिलेक्शन कितना? 13% या 14% का। बैटिंग से बहुत अच्छा करने के चांसेस है इस मैच में। ए एलिन ओपनिंग करेंगे इस मैच में, रिसेंटली 30s और 50s में परफॉर्मेंसेस किए हैं, आज ओपन करेंगे तो चांसेस ज़्यादा होगा ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देने का। सिलेक्शन कितना है? 5% का। बिल्कुल जनता का ध्यान इन पे नहीं है, आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। एस मिकमैन मिडिल ऑर्डर एंड लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और फुल 10 ओवर का बोलिंग करने का दमखम रखते हैं, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों मेरा पहला ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिखेगा। हिली मैथ्यूज कैप्टन है। देखो यहाँ पे मैंने ऑलराउंडर्स पे फोकस किया है आयरलैंड वुमेन टीम का, क्योंकि बेस्ट पॉइंट्स ना आपको यही दे सकते हैं आयरलैंड वुमेन टीम से। अब वेस्ट इंडीज वुमेन टीम से मैंने एफी फ्लेचर को लिया है, क्योंकि मैंने बोला कि स्पिनर को इस वेन्यू के ऊपर मदद काफ़ी ज़्यादा मिलता है स्पेशली वुमेन्स के मैचेस में। शमीला कॉर्नेल को मैंने लिया है, इनके जगह ना आप करिश्मा रामाठक को ले सकते हो। ओल्डा प्रेंडरगस मेरा वाइस कैप्टन है, हिली मैथ्यूज कैप्टन है। लॉरा डिलानी, एमा रिचर्डसन, ली पॉल, सी हेनरी, ए केली, स्टीफन टेलर एंड सी कैम्बल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दूसरे टीम कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे मैंने स्टीफन टेलर को वाइस कैप्टन कर दिया है, वाइस कैप्टन चेंज है, बाकी वही सेम टीम कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट टीम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, टीम कॉम्बिनेशन नंबर 3, क्योंकि मैंने बोला कि आयरलैंड वुमेन का टीम भी स्पिनर को उतना खास नहीं खेलता है और एफी फ्लेचर का रीसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, सामने राइट हैंड बैटर्स भर भर के आपको दिखेंगे, ये एक लेग स्पिनर है, गुच्छे में 4 से 5 विकेट निकाल के आपको दे सकते हैं। बाकी करिश्मा रामाठक इस टीम में मेरे पास हैं, स्टीवन टेलर, कैम्बेल, बाकी सारे वही प्लेयर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट टीम कॉम्बिनेशन देखेंगे, जहाँ पे ज़ाइदा जेम्स को मैंने लिया है डिफरेंशियल के तौर पर। ठीक है, बाकी मैंने किनको छोड़ा है पिछले टीम में, ली पॉल थे, इस टीम में ज़ाइदा जेम्स है। जैसे कि मैंने बोला ली पॉल का बोलिंग करने के चांसेस उतना नहीं है, है पार्ट टाइम है। ज़ाइदा जेम्स अगर खेलते हैं और पिच में स्पिनर्स के लिए ज़्यादा मदद होता है तो क्या पता इनसे फुल ओवर्स करवाया जाए और ये 2 से 3 विकेट निकाल के आपको दे दे, जिनका सिलेक्शन फिलहाल 0.5% तक है। ठीक है, नेक्स्ट टीम कॉम्बिनेशन में मैंने सारे के सारे स्पिनर को ले लिया है वेस्ट इंडीज वुमेन टीम का, क्योंकि दोनों टीम्स का कंपैरिजन करेंगे वेस्ट इंडीज वुमेन टीम हल्का सा ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और इस टीम में ना कैप्टन वाइस कैप्टन भी मैंने दोनों बेस्ट स्पिनर को दिया है, दोनों बेस्ट ऑलराउंडर मुझे कहना चाहिए अपने अपने टीम से। ठीक है, ई रिचर्डसन राइट आर्म ऑफ स्पिनर प्लस बैटिंग, और हिली मैथ्यूज भी सेम है राइट आर्म ऑफ स्पिनर प्लस बैटिंग। ठीक है, लॉरा डिनाली टीम के कैप्टन है, हम नहीं छोड़ सकते, प्रेंडरगेस बैटिंग प्लस बॉलिंग। ली पॉल को मैंने छोड़ा है, उनके जगह ज़ाइदा जेम्स को ही रख के चला है। सी हेनरी बैटिंग भी कर लेते हैं और मेन पेसर आप कह लो शमीला कॉर्नेल के साथ साथ, इसीलिए मैंने नहीं छोड़ा है। और यहाँ पे ए केली डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, बैटिंग भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, इसीलिए उनको मैंने रख के चला है। सेकेंड नेक्स्ट टीम कॉम्बिनेशन देखेंगे, जहाँ पे ज़ाइदा जेम्स को मैंने कैप्टन किया है, ये एक बहुत ज़्यादा हाईली रिस्की कॉम्बिनेशन है। ज़ाइदा जेम्स लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर और सामने राइट हैंड बैटर्स, इसीलिए मैंने इनको कैप्टन करके चला है, वाइस कैप्टन स्टीवन टेलर, क्योंकि आयरलैंड वुमेन टीम के सामने ना इनका रिकॉर्ड काफ़ी खतरनाक है, हमेशा परफॉर्मेंस करते हैं। पता नहीं कितना बॉलिंग डालेंगे इस मैच में, क्योंकि इंजरी से रिटर्न कर रही है, तो अगर बॉलिंग नहीं भी डालते हैं, अगर 80-100 रन कर जाते हैं ना, वनडे फॉर्मेट है, इनके ऊपर कोई प्रेशर तो होगा नहीं कि जल्दी जल्दी रन्स बनाना है, तो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो एक टीम में मैंने रिस्क लिया है कैप्टन ज़ाइदा जेम्स के साथ, वाइस कैप्टन स्टीवन टेलर। इसी टीम को आप कॉपी करके ना कैप्टन इनको और वाइस कैप्टन इनको बना सकते हो। बाकी इस टीम में भी मैंने सारा का सारा जो वेस्ट इंडीज़ वुमेन टीम के क्वालिटी स्पिनर्स है उनको अपने टीम में ले लिया है। ठीक है, और ये पेसर हैं, जो आप पेसर से ज़्यादा ऑलराउंडर कह लो।
अब यहाँ पे मैंने एक फाइटिंग टीम बनाया है। फाइटिंग टीम कैसे, मैंने सोचा है कि वेस्ट इंडीज वोमेन का टीम काफ़ी अच्छा फाइट देगा, बट आयरलैंड वोमेन हल्का सा ज़्यादा अच्छा करेंगे एंड बाजी मार जाएंगे। उनके तरफ से ओल्डर प्रेंडरगेस्ट एंड ई रिचर्डसन आउट परफॉर्म करेंगे वेस्ट इंडीज वोमेन टीम को। हालांकि वेस्ट इंडीज वोमेन टीम से 6 प्लेयर्स आपको दिखेंगे, क्योंकि उनके तरफ से विकेट कीपर जो हर टीम में मैंने ले रखा है, नहीं तो यहाँ से 5 वेस्ट इंडीज वुमेन के प्लेयर्स एंड 5 आयरलैंड वुमेन के प्लेयर्स ही मैंने लिया है। कैप्टन वाइस कैप्टन इस टीम में मैंने आयरलैंड वुमेन टीम के तरफ से किया है, ठीक है। अब इसी टीम को कॉपी करके ना आप आयरलैंड वुमेन टीम के फेवर में और कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, जैसे कि कैप्टन इनको वाइस कैप्टन इनको करके, या फिर इनको कैप्टन वाइस कैप्टन इनको करके, ठीक है। आप कैप्टन वाइस कैप्टन में आप यहाँ पे भी रोटेट कर सकते हो, यहाँ पे भी रोटेट कर सकते हो, तो ऐसे करके आयरलैंड वुमेन टीम के फेवर में भी आप टीम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इसी टेम्पलेट को कॉपी करके, ठीक है। अच्छा, इस टीम कॉम्बिनेशन में ओल्डर प्रेंडरगेस्ट मैंने कैप्टन किए हैं। अब देखो 7 प्लेयर्स मैंने लिए हैं वेस्ट इंडीज वुमेन टीम के तरफ से। ये सोच क्या कहता है, ये सोच कहता है कि इस टीम में मैंने वेस्ट इंडीज वुमेन टीम को फेवर किया है। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि आयरलैंड वुमेन का टीम पूरा फ्लॉप हो जाएगा सिर्फ एक प्लेयर को छोड़ के जो बहुत बेहतर करेगा, अकेले के दम पे आयरलैंड वुमेन को खींच के लाएगा। आप इसी टीम में ना कैप्टन चेंज कर सकते हो, या फिर इसी टीम को कॉपी करके कैप्टन रोटेट कर सकते हो इन्हीं चारों में से। क्या पता आयरलैंड वुमेन टीम के तरफ से ये सबसे बेहतर कर जाए, ये सबसे बेहतर कर जाए, या ये सबसे बेहतर कर जाए, ओल्डर ना करे, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन सिर्फ ये समझाने के लिए कि हाँ वेस्ट इंडीज वुमेन तो डोमिनेट करेगा, बट आयरलैंड वुमेन टीम की तरफ से एक प्लेयर ऐसा परफॉर्म करेगा जो हाइएस्ट पॉइंट्स देगा दोनों टीम्स को मिला के। वाइस कैप्टन इसमें भी चेंज करके आप हिली मैथ्यूज या एफी प्लेचर के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टीम कॉम्बिनेशन मैंने ये सोच के बनाया है कि अगर वेस्ट इंडीज वुमेन बैट फर्स्ट करता है और टॉप ऑर्डर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, स्टीवन टेलर एज एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस देते हैं, हिली मैथ्यूज एज एक्सपेक्टेड बैटिंग से अच्छा करते हैं, कैम्बल ठीक ठाक कर जाते हैं, सी हेनरी नीचे से आके काफ़ी अच्छा फिनिश देते हैं, फिर जब सेकेंड इनिंग में इनके स्पिनर्स आएंगे वो काफ़ी अच्छा करेंगे एंड आयरलैंड वुमेन को चलने नहीं देंगे। अब देखो अगर बैटिंग फर्स्ट करता है वेस्ट इंडीज वुमेन तो बॉलिंग फर्स्ट कौन कर रहा है, आयरलैंड वुमेन, तो उनके डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कौन है, ए केली, क्या पता 3-4 विकेट लेके चले जाए, प्लस थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं, इसलिए इस टीम कॉम्बिनेशन में मैंने इनको वाइस कैप्टन किया है। सेम लॉजिक वही है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर्स को मैंने वाइस कैप्टन किया है, पिछले मैच में इनको किया था, और इस टीम कॉम्बिनेशन में लॉरा डिलानी को मैंने वाइस कैप्टन किया है, बाकी सोच अभी भी वही है, ठीक है। ये है कम्प्लीटली वेस्ट इंडीज वुमेन डोमिनेटेड टीम, जहाँ पे 7-4 का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो। 4 प्लेयर्स मैंने कौन से लिए हैं जो लगभग फुल ओवर्स डालेंगे और बैटिंग से भी पॉइंट्स दे सकते हैं चारों के चारों, ठीक है। बाकी सारे के सारे स्पिनर्स को मैंने ले लिया है, एफी फ्लेचर, रामर हैग, यहाँ पे सी हेनरी एंड कॉर्नेल है दोनों मेन पेसर, और यहाँ पे हिली मैथ्यूज को मैंने ले लिया है। यहाँ पे एक चेंज आप क्या कर सकते हो, कॉर्नेल को हटा के आप ज़ायदा जेम्स को ले सकते हो, इसी टीम को कॉपी करके आप और एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। एफी फ्लेचर को क्यों, क्योंकि वाइस कैप्टन इंपॉर्टेंट होंगे, सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए एफी फ्लेचर इस टीम में एंड इस मैच में घातक हो सकते हैं, बॉलिंग फर्स्ट में भी हो सकते हैं ऐसा बात नहीं है, बट सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स के लिए ज़्यादा मदद होगा पिच के ऊपर। दोस्तों तो ये था 10 ग्रैंड लीग टीम कॉम्बिनेशन, जो मैं आपको दिखाना चाहता था, आपको समझाना चाहता था कि इस मैच में ग्रैंड लीग के लिए कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे डिफरेंशियल के तौर पर, और कैसे आप टीम कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कैसे आप सोच सकते हो ग्रैंड लीग के लिए। चलिए कुछ स्टैट्स आपको दिखा देते हैं जल्दी जल्दी। देखो वेन्यू के बारे में बात करेंगे, डैडन सैमी क्रिकेट ग्राउंड सेंट लूशिया में ये मुकाबला खेला जाएगा। वुमेन्स ओडीआई आज तक इस वेन्यू के ऊपर सिर्फ 4 खेला गया है, एवरेज स्कोर 209 रहा है, तो अगर वेस्ट इंडीज बैट फर्स्ट करता है आप 220 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट अगर आयरलैंड वुमेन का टीम बैट फर्स्ट करता है आप 170-150 तक ही एक्सपेक्ट कीजिएगा, ठीक है। इस वेन्यू पे दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस चेकआउट करेंगे, वेस्ट इंडीज वुमेन 4 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं। रीसेंट मैचेस चेकआउट करेंगे, देखो 182/5 बना, वेस्ट इंडीज वुमेन बैट सेकंड करते हुए जीत गया है, चेस करते हुए, स्पिनर का बोल वाला रहा था, पेसर्स भी अच्छा किए थे, उतना बुरा नहीं किए थे। 2015 में ये मुकाबला खेला गया है, जहाँ पे 281 बना था, सेकेंड इनिंग में 172/9 स्पिनर्स डोमिनेट किए थे। उसके पहले जो दो मुकाबले खेले गए हैं अक्टूबर 2015 को, यहाँ पे भी स्पिनर्स का बोल वाला रहा है, और आप देख सकते हो कि चेज हो गया है दोनों बार ही, यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ एक बार किया था और पाकिस्तान एक बार किया था, 225 का टारगेट और 150 का टारगेट। ओवरऑल समरी चेकआउट करेंगे, पेसर को फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट, सेकेंड इनिंग में 8, स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में 17, सेकेंड इनिंग में 14। तो 2015 में जो मैचेस खेले गए हैं लास्ट वुमेन्स ओडीआई का 50 ओवर का, ठीक है, वहां पर देखते हुए स्पिनर्स का ज्यादा डोमिनेशन रहा।
कुछ प्लेयर्स हैं जिनका टॉस पेस्ट एनालिसिस इस वेन्यू के ऊपर अभी भी अवेलेबल है, तब भी खेलते थे, अब भी खेलते हैं। हिले मैथ्यूज बैटिंग फर्स्ट करते हुए 14 रन 1 विकेट, 35 रन 2 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट बॉलिंग सेकेंड करते हुए आया था। बॉलिंग फर्स्ट में 1-2 विकेट है और बैटिंग सेकेंड करते हुए 1 9 रन है, डिसेंट परफॉर्मेंस। स्टीवन टेलर इस वेन्यू के ऊपर 98 नॉट आउट भी किए हैं, बैटिंग फर्स्ट करते हुए 27 भी किए हैं, बॉलिंग सेकेंड करते हुए 3 विकेट भी निकाले हैं, बट आज कितना बॉलिंग करेंगे अनगारंटीड है। बॉलिंग फर्स्ट में 1 विकेट भी है, बैटिंग सेकंड करते हुए 49 रन्स भी है। शमीला कॉर्नेल तब भी खेलते थे, बॉलिंग सेकंड किए हैं 2 बार 0 विकेट और 2 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट में 1 विकेट। हेड टू हेड मैचेस चेकआउट करेंगे, 8 में से 7 बार कौन जीते हैं, वेस्ट इंडीज वोमेन। पिछले 5 में से 5 बार वेस्ट इंडीज वोमेन जीते हैं, आयरलैंड वोमेन जीत नहीं पाए हैं। रिसेंट हेड टू हेड मैचेस चेकआउट करेंगे, देखो 159 पे आयरलैंड वोमेन ऑल आउट हो गए, ये 2021 में खेला गया था। 163 for 4 वेस्ट इंडीज वोमेन चेस कर गए थे, गैबी लुइस का परफॉर्मेंस था जो आपको बैटिंग सेक्शन में मिलेंगे। एमर रिचर्डसन 32 रन और 2 विकेट, मैं आपको हर बार बोलता था ना ई रिचर्डसन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत टीम्स में उनको सीवीसी भी किया है। ली पॉल 25 रन, स्टीवन टेलर यहाँ पे 41 नॉट आउट और 2 विकेट, हिले मैथ्यूज का 3 विकेट, शमीला कॉर्नेल का 2 विकेट। उसके बाद सीधा 10 साल पहले 2011 में खेला गया है, 2021 में लास्ट खेला गया था, फिर 2011 में 276 बनाया गया था वेस्ट इंडीज वुमेन द्वारा। सेकेंड इनिंग में आयरलैंड वुमेन बिल्कुल क्रम्बल हो गए थे, स्टीवन टेलर तब स्टार होते थे, 107 रन, और यहाँ पे लॉरा डेलानी 7 रन, बाकी और कोई प्लेयर इस टीम का उस मैच में नहीं खेले थे इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है, सिर्फ यही दोनों प्लेयर तब भी खेलते थे, आज भी खेलते हैं। 2010 में देखेंगे 275 for 6 और 110 for 0 वेस्ट इंडीज वुमेन जीता। स्टेफानी टेलर का 72 रन 2 विकेट, कैम्बेल 17 रन नॉट आउट, ई रिचर्डसन का 1 विकेट, लॉरा डिलानी का 1 विकेट। यहाँ पे 164 for 4, ई रिचर्डसन 10 रन, स्टीफन टेलर यहाँ पे 66, एफी फ्लेचर का 4 विकेट था जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, दोनों टीम्स का प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर चेकआउट करेंगे। हिले मैथ्यूज के साथ ई एलिन ओपनिंग करेंगे, डिफरेंशियल पिक होने वाले हैं आज आपके लिए। रीसेंट फॉर्म देखेंगे 32-9 55 नॉट आउट, तो काफ़ी अच्छे रिदम में है। ठीक है, स्टेफानी टेलर इंजरी से रिटर्न कर रही हैं, बट आप ट्रस्ट कर सकते हो सेफ पिक के तौर पर, इसलिए मैंने बोल्ड किया हुआ है। रशदा विलियम्स एक विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे खेलेंगे, मैं उतना सजेस्ट नहीं करूंगा, ट्राई करना है तो शमीला कैम्बेल को आप ट्राई कर सकते हैं। सी हेनरी नीचे से आके बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और बॉलिंग से 1 से 2 विकेट निकाल के आपको दे सकते हैं। एफी फ्लेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ऐसे स्पिन फ्रेंडली विकेट पे, और करिश्मा रामरहैक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। शमीला कॉर्नेल रीसेंट फॉर्म देखेंगे, पिछले 3 इनिंग में 3 विकेट निकाले हैं, 4 इनिंग में 4 विकेट। ठीक है, जायदा जेम्स आज आपके लिए डिफरेंशियल हो सकते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर हैं, रीसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, बैटिंग भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हैं डिफरेंशियल के तौर पे। बेंच में ये सारे प्लेयर्स आपको दिखेंगे जो स्क्वाड में अवेलेबल तो है बट आज प्लेइंग 11 में शायद इनका जगह ना बने। ठीक है, अच्छा, आयरलैंड वोमेन टीम का प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर चेकआउट करेंगे। गैबी लुइस के साथ ली पॉल ओपनिंग करेंगे, इनका बेस्ट ओपनिंग प्लेयर गैबी लुइस प्रोबेबली टीम का बेस्ट बैटर है। ठीक है, हालांकि रीसेंट फॉर्म उनका उतना साथ नहीं दिया है, बट ऐसे स्पिन फ्रेंडली विकेट पे अगर आयरलैंड वोमेन को अच्छा करना है तो गैबी लुइस को एटलीस्ट 40-50 रन का स्कोर करना ही पड़ेगा। ली पॉल ओपनिंग बैटिंग प्लस पार्ट टाइम बॉलिंग करेंगे। हाँ, T20 मैच अगर होता तो मैं बोलता शायद इनको ओवर्स ना मिले, बट क्योंकि वनडे फॉर्मेट है इनको ओवर्स मिलेंगे, डिपेंडिंग के पिच एक्चुअली कैसा बिहेव कर रहा है। अगर स्पिनर्स के लिए और ज़्यादा मदद होगा तो शायद इनको ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स भी दिया जा सकता है बाय द कैप्टन। ओला प्रेंडरगस्ट टीम के मेन पेसर हैं, मेन पेस बॉलिंग ऑलराउंडर मुझे कहना चाहिए आफ्टर कैप्टन लॉरा डिलानी, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये दोनों, दोनों बैटिंग एंड बॉलिंग काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, डेथ ओवर्स में भी आ सकते हैं। ई रिचर्डसन बेस्ट स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, रीसेंट फॉर्म आप चेकआउट करो, ठीक ठाक है, उतना खास नहीं किया है, बट हाँ बड़ा मैच है और हमेशा आयरलैंड वुमेन टीम की तरफ से स्टैंड आउट परफॉर्मेंस करते हैं, स्पेशली अगर पिच में स्पिनर्स के लिए थोड़ा भी मदद हो तो। एलिन केली डेथ ओवर स्पेशलिस्ट प्लस थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है, बाकी सोफी मिकमैन पार्ट टाइम बॉलिंग करेंगे बट नीचे आके फिनिश कर सकते हैं, जॉर्जिया डेम से शुरुआत में डालेंगे, डेथ में डालेंगे। कारा मुड़े तभी इंपॉर्टेंट होंगे जब आयरलैंड वुमेन का टीम सेकेंड इनिंग में डालेंगे, ये 3 विकेट भी इनका सेकेंड इनिंग में आया था, नहीं तो विकेटलेस गए हैं कंटिन्यूअसली। एवा कैनिंग मिडिल ओवर्स में थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, उतने इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, एक आधा टीम में ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग में। बेंच में आपको एमी हंटर दिखेंगे, रीसेंट फॉर्म सोसो है, लुइस लिटिल सोसो परफॉर्मेंस, एमी मैग्वायर ये बंदा एक ट्रम्प प्लेयर हो सकता है अगर इनको खिलाया जाता है तो। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर है, थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं बट बॉलिंग से आपको ज़्यादा पॉइंट्स देने वाली है। ठीक है,